हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ मी यशवंत कुमार एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लो टेस्टोस्टेरोन होने के 5 रीजंस। ऐसे रीजंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो टॉप 5 रीजंस है उसको पिक किया हूँ और आपको बताया हूँ कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो होने का 5 रीजन क्या हो सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन रीजन है। ये गलतियाँ सभी करते हैं। अगर आप इन 5 गलतियों को सुधारते हो, देन आपका ओवरऑल पूरी हेल्थ सिस्टम, आपके लाइफस्टाइल्स और भी कई सारे चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि वो 5 गलतियाँ कौन सी है। सबसे पहला गलती अगर मैं बात करूँगा इस, तो वो है आपका स्लीपिंग पैटर्न। बहुत सारे लोग ना, स्लीपिंग पैटर्न उनका बहुत गलत होता है। लोग कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, रात रात भर रील्स देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। सोशल मीडिया के ज़माना में लोग मोबाइल में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि सही से सो भी नहीं रहे, सही से उठ भी नहीं रहे हैं, और अपना ओवरऑल जो उसके पूरे दिन का वर्क है उसे भी ख़राब कर रहे हैं। तो देखो गाइस, करना क्या है आपको कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है, और मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा, राइट? तभी तो आप जल्दी उठ पाओगे। अगर आप 3 से 4 बजे ही सोओगे तो फिर जल्दी उठोगे कैसे? एंड ये चीज़ें आप सभी जानते हैं, इसका साइंटिफिक रीज़न कि मॉर्निंग में उठने के कितने सारे फ़ायदे हैं। चाहे आप उसको आयुर्वेदा से रिलेट करके देख लो, चाहे वो उसे साइंस से रिलेट करके देख लो, आपने ये तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि आपके आसपास, आपके पड़ोसी या इवन कोई भी, अगर आपके सामने जो भी आपका जानकार है वो अगर सुबह में उठ रहा है उनमें से कोई लोग, तो आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस किए होंगे कि जो सुबह में उठ रहे हैं उसका हेल्थ बेटर है अन्य लोगों से जो सुबह में नहीं उठ रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सुबह उठ करके खाली पेट जॉगिंग करता है, जॉगिंग करने के लिए बाहर जाता है, टहलता है, टहल करके आता है, तो उससे पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, वो पूरे दिन फ्रेश रहता है। अगर आप इस बात को बिलीव नहीं करते हो तो आप 2-4 दिन अपने रूटीन में सुधार करके देख लो। 2-4 दिन आप सुबह उठ करके और थोड़ा सा वॉक के लिए चले जाओ, थोड़ा सा जॉगिंग के लिए चले जाओ, उसके बाद आ करके आप देखना, पूरे दिन आप खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे गाइस। तो आप अपना स्लीपिंग पैटर्न को सुधारो। बात करते हैं दूसरी गलती, तो दूसरी गलती है उसका ईटिंग स्टाइल, उसका खाने का तरीका। वो अपने डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब जो लोग अपने डाइट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन में कुछ भी खा रहे हैं, उसे जो मिल जा रहा है, बर्गर, पिज्ज़ा, डोसा, चाउमीन, चिल्ली, जो मिल रहा है उसे सब खाया जा रहा है, तो बताओ उसका ओवरऑल हेल्थ कैसे सही होगा? उसका टेस्टोस्टेरोन तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा है, बस वो सिर्फ बैड फूड से अपने कैलोरी को सिर्फ भरे जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो ओबीस होगा, उसकी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण उसका टेस्टोस्टेरोन लो होगा, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसका स्लीपिंग पैटर्न भी गलत है, खाने का तरीका भी गलत है, तो डेफिनेटली उसका टेस्टोस्टेरोन लो रहेगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरी गलती की, तो तीसरी गलती ये है गाइस कि पूरे दिन में वर्कआउट नहीं करना। ठीक है, आप गाइस कोई भी कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप अपना जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप पूरे दिन में 10 मिनट, आधा घंटा, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ, आधा घंटा आप योगा कर लो, आधा घंटा आप वॉकिंग कर लो, आधा घंटा आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा पुशअप्स लगा लो, अगर आप अपनी बॉडी को हल्का सा पुश करने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने पूरा दिन कुछ किया है, आपको लगेगा कि हाँ आज मैं पूरा दिन एक्टिव रहा हूँ। नहीं तो अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे, आप योगा नहीं करोगे, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग नहीं दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पूरा दिन लेजीनेस, पूरा दिन सोने का मन करेगा आपको, एंड उसके बाद आपको किसी भी काम में भी मन नहीं लगेगा, कोई भी काम आप भी अपने सही से नहीं कर पाओगे। तो आप वर्कआउट करना थोड़ा सा स्टार्ट करो, सो डैट कि आपकी बॉडी की जो कैलरी है वो थोड़ा सा बर्न हो और आप फिट रहें। बात करते हैं चौथी गलती की, तो चौथी गलती ये है गाइस कि ओवरऑल पूरे दिन में आप अपने कैलरी को ट्रैक नहीं कर रहे हो। तो आप अपने कैलरी को ट्रैक करना स्टार्ट करो कि आप जो भी खा रहे हो वो क्या सही फूड से ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप जो भी खा रहे हो वो क्या एक भरपूर न्यूट्रिशन से भरपूर है या नहीं है, या सिर्फ आप पूरे दिन के सिर्फ समोसा ही खा रहे हो। आप जो भी खा रहे हो, डजेंट मैटर, उसमें आप ये देखो कि उसका जो न्यूट्रिशन है उसमें मुझे कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्ब्स मिल रहा है, कितना फैट मिल रहा है। आप थोड़ा सा प्रोटीन हाई रखने की कोशिश करो, कार्ब्स को थोड़ा सा मॉडरेट रखने की कोशिश करो, फैट को मॉडरेट रखने की कोशिश करो, देखना ओवरऑल आपका हेल्थ आपका सही हो जाएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा। एंड जो लास्ट गलती है पाँचवा, वो मैं इस 5 टॉप 5 में रखा हूँ, जो पाँचवा गलती है गाइस वो है मास्टरबेशन, राइट? बहुत सारे लोग ना मास्टरबेट करते हैं, पूरे दिन में जब उसे कोई काम नहीं मिलता है तो चलो मास्टरबेट करते हैं, चलो पोर्नोग्राफी, पोर्न देखते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, आजकल के यंगस्टर में बहुत ज़्यादा करते हैं,
उसमें से मैं भी शामिल था। कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले मैं भी इस लाइन से गुजर चुका हूँ गाइस। तो बहुत सारे लोग हैं ना कि इससे अपना डेली लाइफ स्टाइल में अपना हैबिट बना लिए हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्स इज़ रॉन्ग, सेक्स रॉन्ग नहीं है, बट इसे लोग गलत बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो गाइस, हम लोग कहीं ना जानवर से ही इंसान बने हैं, राइट। तो इंसान तो एक बेहतर प्रजाति है, जानवर से बेहतर इंसान है, तो फिर क्यों हम लोग जानवर से भी गंदा ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोगों को तो समझना चाहिए कि हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो एक बेहतर प्रजाति हैं। एक जानवर पशु पक्षी को भी आप देखोगे ना गाइस, तो उन लोग भी सेक्स करता है ना, तो बस अपना प्रजाति को मेंटेन रखने के लिए, सो डैट कि आपका उसका प्रजाति विलुप्त ना हो जाए। आपने कोई पंछी को देखा होगा तो सर्दियों में, ठंड के मौसम में भी एक साथ आते हैं, बाकी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। या फिर कोई जानवर को आप देख लो तो उन लोग सेक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन इंसान क्या करता है कि सेक्स को ही इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सेक्स सही है, गलत नहीं है, लेकिन लोग इसका एडिक्ट हो चुके हैं, तो इसका एडिक्शन सही नहीं है, ठीक है। अब मास्टरबेशन की बात आती है जब, तो देखो गाइस, जिसके पास पार्टनर नहीं है और उसका सेक्स का उसका डिजायर है तो क्या करेगा, मास्टरबेट ही करेगा ना। जिसके पास पार्टनर है वो अपने पार्टनर के साथ संतुष्ट हो जाएगा, जिसके पास पार्टनर नहीं है वो मास्टरबेट करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ये जो सेक्स है ना, वो संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कि हम सेक्स करेंगे तभी संतुष्ट होंगे, ये संतुष्टि का जरिया नहीं है गाइस। आप सेक्स को एज ए लाइफ यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में, कि हाँ भाई जब तक सेक्स करेंगे ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगा, जब मुझे वंश को आगे बढ़ाना है करेंगे, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये मुझे डेली करना है ये तो गलत है ना गाइस। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बैड हैबिट है, इसे आप अगर आप सुधार लेते हो, क्योंकि इसका आपने आयुर्वेदा में भी आप देखे होंगे कि जो लोग ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो कितने शक्तिशाली होते हैं, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रह्मचारी बन जाओ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इसे अपने लाइफस्टाइल से दूर रखते हो तो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। एंड आप दिन भर इसी के बारे में सोच रहे हो गाइस, तो डेफिनेटली आपका टेस्टोस्टेरोन लो होगा, स्ट्रेस लेवल आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्ट्रेस लेवल हाई रहने के कारण भी टेस्टोस्टेरोन लो रहता है। तो इन सब गलतियों को अगर आप सुधारते हो, ये 3-4-5 गलती जो मैंने बताया, इन सब गलतियों को अगर आप सुधारते हो, उसके बाद देखना कि सिर्फ आपका टेस्टोस्टेरोन ही नहीं, पूरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। आपको पढ़ने में मन लगेगा, आपको अपना काम करने में मन लगेगा, आपको अपना जॉब करने में मन लगेगा, ओवरऑल पूरे दिन में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंज आई है एंड मैं कुछ अब अच्छा कर सकता हूँ। जो आपके नेगेटिव थॉट हैं वो भी चले जाएंगे, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। तो इन 4-5 गलतियों को आप सुधारें, आपका टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली बूस्ट होगा एंड ओवरऑल आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। तो वीडियोज़ कैसी लगी ज़रूर बताना। इससे बस आज किस वीडियोज़ को यहीं समाप्त करते हैं, और भी आपको डाइट से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं प्रॉपर आपको वीडियोज़ बना करके दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।